मैं इम्तियाज काजी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। मेरा सब्जेक्ट का नाम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका कोड है ई 203। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए मूलभूत रूप से काफ़ी उपयोगी है और इसके अंदर मैंने टॉपिक लिया है बीएच पर। मालूम होना चाहिए बी होता है मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स डेंसिटी, और जिसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इक्वल टू होता है 5/a। एक्स जो है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फील्ड। ये बराबर होता है एम आई वाई एल, और इसकी यूनिट होती है एम्पीयर पर मीटर। तो ये बी और एच के बारे में होगा। अब इनके बीच में क्रम ड्रॉ करना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए। रिलेशन है बी बराबर म्यू एच। बी बराबर म्यू एच, म्यू जहां पर है परमिबिलिटी, या इसको चुंबकशीलता भी बोलते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टिविटी होती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में वो काम म्यू करता है परमिबिलिटी या चुंबकशीलता। तो म्यू बराबर होता है म्यू जीरो म्यू आर। म्यू जीरो है वैक्यूम की परमिबिलिटी और म्यू आर है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, और म्यू जीरो की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होती है। 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। तो ये तो था बी और एच के बीच में रिलेशन का, और ए के लिए म्यू आर की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होती है। अब अपन बी और एच का ड्रॉ करेंगे। एच को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया जाता है और बी को वर्टिकल एक्सिस, क्योंकि B की वैल्यू H पर डिपेंड कर रही है। तो अब अपन H की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो B का मान शुरू में तेजी से बढ़ता है। मान लेते हैं O A तक ये वैल्यू तेजी तक, फिर उसके बाद A से B तक इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, और थोड़ी देर बाद जाके ये C पॉइंट पर इसका सैचुरेशन आ जाता है। A से B तक तेजी से बढ़ती है, A से B, O से A तक तेजी से बढ़ती है, और A से B तक थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है, और C पॉइंट पे जाके इसका सैचुरेशन आ जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। यह अवशेष चुंबक इसी पॉइंट को अवशेष चुंबक कहते हैं, सॉरी मैग्नेटिक सैचुरेशन या एनवी में कहते हैं चुंबक की संतृप्ति। अब अपन एच की वैल्यू
वापस धीरे धीरे कम करते हैं तो हम देखते हैं ये ग्राफ पुनः उसी रास्ते से ना लौट के दूसरे पास से लौटता है और x की वैल्यू जीरो करने पर भी BR की कुछ ना कुछ वैल्यू इस वक्त रह जाती है। ये OD जो होता है ये कहलाता है अवशेष चुंबकत्व। इसको कहते हैं रेडियल मैग्नेटिज्म। हम देखते हैं कि वापिस उसी पास से ना लौट कर दूसरी पास से लौटता है और h की वैल्यू जीरो होने पर भी B का कुछ ना कुछ मान वहां पे रह जाता है जिसको BR से डिनोट करते हैं और ये बचा हुआ मैग्नेटिज्म कहलाता है अवशेष चुंबकत्व, रेडियल मैग्नेटिज्म या एक नाम और है जो पेपर में यूज किया जाता है रिमिनेंस, इसको कहा जाता है रिमिनेंस। अब अपन H की वैल्यू नेगेटिव में ले जाते हैं इस ये BR जीरो हो जाता है और H का वो नेगेटिव मान जो BR को जीरो कर दे वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। OE जो है वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स और हिंदी में से कहते हैं निग्रह बल। H का वह नेगेटिव मान जो इस BR को नेट जीरो कर दे यहाँ पे वो डिनोट हो रहा है E से, OE जो है वो कहलाता है निग्रह बल कोहेसिव फोर्स। अब इसको अपन वापस नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में ले जाते हैं तो इस तरह का ये कर्व आता है जो कि अपने आप में BH कर्व या स्ट्रेसिस लूप कहलाता है। तो इस कर्व में अपन देखते हैं कि H का मान बढ़ाने पर शुरू में B की वैल्यू तेजी से बढ़ती है फिर उसके बाद H का मान बढ़ाने पर B की वैल्यू में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब B H का मान बढ़ाने पर B के मान में कोई चेंज नहीं आता वो अवशेष चुंबकत्व कहलाता है, वो चुंबक की संतृप्ति कहलाता है मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब वापस अपन H का मान कम करते हैं तो ये कर्व उसी रास्ते से ना लौट कर दूसरे रास्ते से लौटता है और अब H का मान जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ चुंबकन बच जाता है उस बचे हुए चुंबकन को रेडियल मैग्नेटिज्म कहते हैं या अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। अब इस BR की वैल्यू को अगर जीरो करना है तो H का मान अपने को नेगेटिव ले जाना पड़ेगा। H का मान नेगेटिव ले जाने पर BR जीरो हो जाता है और जहां पर वो जीरो होता है वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। अब इसको वापस नेगेटिव से वापस पॉजिटिव लाते हैं तो इस तरह का एक लूप बनता है जिसे BH का या स्ट्रेसिस लूप कहते हैं। इस लूप का एरिया जितना कम होगा उतने ही स्ट्रेसिस लॉसेस कम होंगे, इस लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा स्ट्रेसिस लॉसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इस स्ट्रेसिस लूप के आधार पर ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं सॉफ्ट और एक होते हैं हार्ड जिनका इस एरिया का मान कम होता है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं और जिनके स्ट्रेसिस लूप का मान ज्यादा होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में निग्रह बल का मान काफी कम होता है, BR का मान भी कम होता है, अतः इनको बहुत जल्दी ही मैग्नेटाइज किया जा सकता है और बहुत जल्दी ही वापस इनके ऊपर चुंबकन का गुण समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इनमें सिलिकॉन स्टील, निकल आयरन एलॉय, सॉफ्ट फेराइट्स आते हैं। इसी तरह से जो हार्ड मैग्नेटिक मेटल है उनके स्ट्रेसिस लूप का एरिया ज्यादा होता है, उनके कोहेसिव फोर्स का मान भी ज्यादा होता है, अवशेष चुंबकत्व का भी मान ज्यादा होता है, अतः इनको चुंबकन करने में ऊर्जा का खर्च ज्यादा होता है और एक बार चुंबकन करने के बाद आसानी से चुंबकन का गुण इनमें समाप्त नहीं होता यानी कि परमानेंट मैग्नेट की तरह
काम में काम करते हैं। इनका उपयोग इनके एग्जांपल जैसे कोबाल्ट स्टील, एलनिको, एलनिल, ये इनकी एग्जांपल है। और जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मेटल्स है, क्योंकि उनका स्टेसिस लूप का एरिया कम है, इसलिए स्टेसिस लॉसेस कम होते हैं, इसलिए मशीनों के अंदर कोर में ट्रांसफॉर्मर जैसे में इनकी कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, ताकि स्टेसिस लूप का एरिया, स्टेसिस लॉसेस जो हो वो कम से कम। और हार्ड मैग्नेटिक मेटल्स का उपयोग परमानेंट मैग्नेट बनाने में करा किया जाता है। तो ये था स्टेसिस लूप और उसका यूजेज। थैंक यू। नहीं ब्रेंडा तो नहीं है। नहीं कर